खटीमा कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में लंबे समय से हो रहे बाइक चोरियों के मामले का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को भेजा जेल। ज्ञात हो कि बीते एक माह से खटीमा क्षेत्र में बाइक चोरियों के कई मुकदमे खटीमा कोतवाली में दर्ज हुए थे, जिनका खुलासा करते हुए खटीमा पुलिस के द्वारा दो आरोपियों से 5 चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। खटीमा कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि खटीमा कोतवाली की गश्ती टीम के द्वारा खटीमा कंजाबाग रोड पर शिव मंदिर के पास की जा रही चेकिंग के दौरान जब एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। इस प्रयास में बाइक पर सवार दोनों आरोपी गिर गए, जिन्हें पुलिस टीम ने तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लिया। पकड़े गए आरोपी अक्रम निवासी वार्ड नंबर 3 खटीमा एवं साहिल निवासी वार्ड नंबर 5 खटीमा ने मौके पर बरामद मोटरसाइकिल को खटीमा पंजाबी मोहल्ला से चोरी करना स्वीकार किया। दोनों आरोपियों से की गई गहन पूछताछ में आरोपियों ने खटीमा की पीलीभीत रोड, डिग्री कॉलेज रोड एवं नागरिक चिकित्सालय से भी मोटरसाइकिल की चोरी किया जाना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही कर पुलिस टीम के द्वारा टनकपुर रोड पर खाली पड़े एक प्लाट से झाड़ियों के बीच छुपाई गई 4 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। आरोपियों के विरुद्ध IPC की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपियों पर पूर्व में भी इस प्रकार की चोरियों के कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी नशे के आदी हैं और अपने नशे के खर्च को पूरा करने हेतु क्षेत्र में इस तरह की चोरियों को अंजाम देते रहे हैं। मैंने जून में हमारे खटीमा थाना के अंतर्गत शिकारगंज थाना के अंतर्गत एक गिरोह एक्टिव हो गया था जो बाइकों को उठा रहे थे और काफ़ी लगभग 3-4 बाइकें हमारे यहाँ से उड़ गई थी, जगह में शिकारगंज भी उड़ गई थी। तो इनके अनावरण के लिए हमने टीम गठित की थी और इसी टीम द्वारा जो है कल रात्रि में इनको हमारी 5 मोटरसाइकिलों के साथ, जिसमें मोहम्मद अक्रम और साहिल नाम के दो अभियुक्त हैं, ये दोनों स्थानीय अभियुक्त हैं, इस्लाम नगर खटीमा के रहने वाले हैं, इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। अभियुक्तों को धारा 379-411 IPC के तहत जेल भेजा गया। पहले के भी लगभग आधा दर्जन अभियोग हैं और ये दोनों काफ़ी साधे अपराधी हैं।